ये मेरा शॉर्ट वीडियो का लिस्ट जहाँ पे आप देख सकते हो 3 मिलियन के ऊपर व्यूज है, 240 के ऊपर लाइक्स है, और सारे मेरे वीडियो सबका वायरल गया है मेरा शॉर्ट्स वीडियोस में। मैं आज बताने वाला हूँ क्या शॉर्ट वीडियोस इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग वीडियोस इंपॉर्टेंट है अगर आप यूट्यूब में करियर बनाना चाहते हो तो, और कैसे शॉर्ट वीडियोज और लॉन्ग वीडियोज इंटरलिंक्ड है, और कैसे शॉर्ट वीडियोज अगर आपका वायरल जाता है तो आपको अर्निंग्स बढ़ता है या नहीं। अगर आपको यूट्यूब रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा वीडियोज डालता रहूंगा चैनल पर। तो पहले बात कर लेते हैं वायरल शॉर्ट्स के बारे में और क्यों शॉर्ट्स वीडियोस आपके दिन में इंपॉर्टेंट है लॉन्ग वीडियोस से। अगर 2-3 साल पहले का बात होता तो लॉन्ग वीडियोस लॉन्ग कंटेंट ही था यूट्यूब में, और लॉन्ग कंटेंट बना के लोग बहुत सारे वीडियोस में व्यूज लाते थे। लेकिन अभी टिकटॉक फेमस होने के बाद टिकटॉक का जो कंटेंट था शॉर्ट कंटेंट, वो अभी फेमस हो गया है, और शॉर्ट कंटेंट के ऊपर यूट्यूब ज़्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन वो भी अभी पुराना हो गया है, लॉन्ग कंटेंट और शॉर्ट कंटेंट दोनों यूट्यूब में अभी के टाइम में इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं शॉर्ट वीडियो जो मैं बनाया हूँ उसके बारे में बताता हूँ जो कि मेरा वायरल गया है। शॉर्ट के बारे में बोलूँ तो इसमें इतना व्यूज है, और व्यूज़ के बारे में बोलूँ तो इंग्लिश शॉर्ट में बहुत ही ज़्यादा व्यूज है, और इसमें जो मिल गया मुझे 17.2 के सब्सक्राइबर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप व्यूज़ देख रहे हो वो आ रहा है यूट्यूब सर्च से, और डेफिनेटली आप ब्राउज फीचर से भी देख रहे हो और शॉर्ट्स फीड से। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाते हो तो डेफिनेटली आपका जो शॉर्ट्स में व्यूज़ आता है शॉर्ट्स फीड से आता है, और शॉर्ट्स फीड में व्यूज़ जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों शॉर्ट्स फीड में और ब्राउज फीचर में आपका वीडियो जाता है वो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं अगर बोलता हूँ कि अगर आपको व्यूज चैनल को ग्रो करना है तो शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट में एक ही प्रॉब्लम है, उसमें ज़्यादा व्यूज़ तो आता है लेकिन उसमें रेवेन्यू ज्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग वीडियोस में बात करें तो लॉन्ग वीडियोस में ज्यादा सब्सक्राइबर या व्यूज तो नहीं आता है लेकिन रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है, और बहुत सारे वीडियोस में भी पैसा मिला है जो लॉन्ग वीडियोस है, लेकिन शॉर्ट वीडियोस में ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में कोई एड ही नहीं चलता है, आपको भी पता है, और शॉर्ट फीड में जो व्यूज वीडियोस आता है वो आपका व्यूज के लिए आता है, और व्यूज अगर आपका ज्यादा होगा ज्यादा व्यूज के लिए ज्यादा सब्सक्राइबर भी आ जाता है। तो अगर आपको यूट्यूब में ग्रो करना है और व्यूज और सब्सक्राइबर पाना है तो बहुत जल्दी जल्दी आपको शॉर्ट्स वीडियोस अपडेट करना होगा पहले, अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो तो, ताकि आपका चैनल को रीच मिल सके, और आप एक बार ग्रो होने जाने के बाद आपको जरूर लॉन्ग वीडियोस बनाना चाहिए क्योंकि रेवेन्यू भी इंपॉर्टेंट है यूट्यूब में। एक चीज मैं बताने वाला हूँ कि शॉर्ट वीडियो जब आप अपलोड करते हो आप देखोगे कि इधर रिलेटेड वीडियो बोल के एक ऑप्शन रहता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड वीडियो में आप इंटरलिंक्ड कोई वीडियो डाल सकते हैं जो कि आपका लॉन्ग वीडियो, ताकि आपका शॉर्ट्स देखने के बाद वो लॉन्ग वीडियो में क्लिक करे लोग, और डेफिनेटली आपको रेवेन्यू भी आ जाए। शॉर्ट्स वीडियो लॉन्ग वीडियो दोनों रहना चाहिए आपका चैनल में। अगर आप सिर्फ लॉन्ग वीडियो बना रहे हो तो शॉर्ट वीडियो का अलग से एक डिफरेंट चैनल भी बना सकते हो, जहाँ पे आप दोनों इंटरलिंक करके आपका कैटेगरी के हिसाब से वीडियो बना सकते हो। तो दोनों चीज़ अगर आपके पास है, लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो, तो ज़रूर आपका वीडियो वायरल जाएगा, और एक अगर शॉर्ट वीडियो वायरल चला गया तो लॉन्ग वीडियोस में भी व्यूज़ आ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर मैं लाइफ टाइम करता हूँ मेरा चैनल का व्यूज़ को जो कि शॉर्ट वायरल गया है, तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से एक्चुअली व्यूज़ आ रहा है। सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है ब्राउज फीचर से, उसके बाद शॉर्ट फीड, उसके बाद यूट्यूब सर्च। तो ब्राउज फीचर में आपका शॉर्ट जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शॉर्ट वायरल जाना है और शॉर्ट वायरल जाने के बाद भी लोग अगर देखता है आपका शॉर्ट वो है ब्राउज फीचर से, तो ब्राउज फीचर कौन सा जगह? अगर मैं यूट्यूब ऐप खोलूँ तो इधर देख सकते हो आपका ब्राउज फीचर में कुछ कुछ शॉर्ट्स दिखाता है जो आप स्क्रॉल करने के टाइम पर देखते हो, और इसमें सारे के सारे शॉर्ट्स आप देख सकते हो। अच्छा वाला थंबनेल का ही शॉर्ट्स दिखाता है जो कि ऑलरेडी वायरल वाला शॉर्ट है। तो शॉर्ट को वायरल करने के लिए थंबनेल अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे आप शॉर्ट को वायरल कर सकते हो, थंबनेल लगा सकते हो शॉर्ट में, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो शॉर्ट में थंबनेल डालने के लिए आपको प्लस साइन में क्लिक करना है और उधर क्रिएट ए शॉर्ट पे जाना है। क्रिएटर शॉर्ट में जाने के बाद कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट करना है। मैं वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, और एक बार सिलेक्ट करने के बाद डन पे क्लिक करता हूँ, और एक बार अगर डन पे क्लिक कर दिया तो इधर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक बार प्रोसेस होने के बाद थंबनेल चेंज करने का। एक बार अगर प्रोसेस हो गया आपको टिक पे क्लिक करना है, और टिक पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इधर में डन पे क्लिक करना है, और डन पे क्लिक करने के बाद इधर पेंसिल आइकन आ जाएगा जहां से आपको थंबनेल चेंज करना है। कोई भी एक फ्रेम एज अ थंबनेल सिलेक्ट कर सकते हो, और थंबनेल सिलेक्ट करने के बाद आपका जो शॉर्ट क्रिएट होगा वो ब्राउज फीचर में भी जा सकता है अगर आपका शॉर्ट वायरल चला गया। तो ऐसे आप ब्राउज फीचर में शॉर्ट को भेज सकते हो,
और YouTube में लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए आपको रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ शॉर्ट का चैनल है तो फिर आपको सिर्फ शॉर्ट ही बनाना पड़ेगा, और शॉर्ट में अगर ज़्यादा रेवेन्यू कमाना है तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट आपको अपलोड करना है। जैसे आपको दिन में 10 से 15 शॉर्ट अपलोड करना है, और उससे भी ज़्यादा अगर आप अपलोड करोगे तो डेफिनेटली व्यूज़ और सब्सक्राइबर तो आएगा ही, प्लस आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना शॉर्ट आप अपलोड करते हो तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी आने वाला है आपका चैनल में। तो यही बोल के मैं वीडियो का एंड करना चाहूँगा। शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो दोनों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यूट्यूब में सक्सेस पाना है तो डेफिनेटली आप दोनों वीडियोज़ बनाते रहिए। मेरा वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ऐसा वीडियोस देखना है तो। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ रहे।